हेलो सर, मनीषा का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। सर, आज की वीडियो में मैं आपके लिए फाइनली ले आया हूँ माय मेन दिवाली स्टैश 2022। सर, इस वीडियो के लिए आप सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इस वीडियो को बनाने के लिए। सो, मैंने आप लोग से पूछा था मेरा मेन दिवाली का स्टैश का अमाउंट कितने होने वाला है, तो आप सब ने काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया था, क्योंकि मैंने हिंट्स दिया था कि लास्ट जो मैंने स्टैश था 20,000 रुपये का था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो, इस बार का मेरा स्टैश का अमाउंट है 25,000 रुपये। सो यार, फाइनली आप लोग के लिए वीडियो आ गई है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और आज की वीडियो को हम लोग लाइक में रखते हैं ओनली 5,000 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट करवा दो, देखते हैं कब तक हो पाते हैं। मेरा मेन दिवाली के स्टैश के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो फाइनली आ गया है, तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर दो, क्योंकि वहाँ सारे मैं बिहाइंड द सीन्स डालते रहता हूँ और आप सबसे मैं बात करते ही रहता हूँ। जैसे ये जो स्टैश बनाया ना, इसका भी मैंने पहले ही इंस्टाग्राम पे अपडेट दे दिया था कि वीडियो आने वाला है, तो काफ़ी कुछ आप मिस कर रहे हो, जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है सारे पटाखे जो कि इस बार मेरे दिवाली का स्टैश है 2022 का 25,000 रुपये का। सर देखो, इतने सारे पटाखे हो गए और आई नो, मतलब उतने सारे डब्बे नहीं बने 25,000 के अमाउंट के हिसाब से, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए यार पटाखे, मेरे को काफ़ी महंगे पड़े, तभी जो अमाउंट है ये मैं 20,000 डालने वाला था, बट ये 25,000 पहुँच गया। और इसमें से अभी एक बॉक्स गायब है, बिकॉज आपको पता है मैं पुणे गया हुआ था, वहाँ पे काफ़ी सारे क्रैकर्स खरीदे, बट वहाँ पे जो क्रैकर्स है वो मैं वहीं छोड़ के आया हूँ, जितने हम लोगों ने टेस्ट किए थे कर लिए, वो मैंने वहीं छोड़ के आया। नेक्स्ट हम लोग उसको एकादशी पे टेस्ट करने वाले हैं, वो आपको वीडियो वहाँ की दिखेगी। और कल मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, सो स्टैश रखा था, हम लोग सब बाहर पटाखे फोड़ने लगे थे, अभी बहुत कम हो गए क्रैकर्स, बट ये जो आपको दिख रहा है ये अराउंड 20,000 तक का तो हो गई, 5,000 का मान लो पुणे में कुछ रखा है, ये अराउंड 20,000 प्लस के क्रैकर्स है। सो, चलो चालू करते हैं। तो आपको देखो चार डब्बे दिख रहे हैं, इसमें से एक डब्बा ये वाला जो है ये सिर्फ स्काई शॉट्स का, ये अरे भाई काफ़ी भारी ये है, इसमें से स्काई शॉट्स पड़े अराउंड ये 5,000 का, तो यही होगा खेला स्टैश। और इसमें काफ़ी सारे क्रैकर्स हैं, यूनिक इसमें भी क्रैकर्स हैं, ये स्काई शॉट का है। सो, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यार इस स्काई शॉट के बॉक्स, क्योंकि सबसे महंगा मेरे को यही बॉक्स लग रहा है, ये और ये सबसे महंगा बॉक्स है। तो चलो फर्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बड़े को स्काई शॉट्स में। ये देखो, एक आपको दिख रहा होगा सही से, एक दो और ये तीन, ये वाले स्काई शॉट 500 रुपये के एक हैं, ये मेरे को 1300 के तीन पीस पड़े थे। सो, ये काफ़ी अच्छा डिस्प्ले आता है, इसके हम लोग टेस्टिंग करेंगे कल की वीडियो में, जो आज की वीडियो में भी आ सकता है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, काफ़ी सारी वीडियोस आती रहती हैं, आजकल तो दिन में मैं तीन वीडियोस डाल रहा हूँ, चार में डाल नहीं सकता वीडियोस, बिकॉज क्या होता है यूट्यूब पे एक गाइडलाइन होती है कि तीन वीडियो का नोटिफिकेशन देगा, फोर्थ वीडियो का नहीं देगा, अगर कोई गाइडलाइन चेंज हुई प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता देना। सो, ये तीन स्काई शॉट हो गए, सबसे बड़े साइज़ के 3 इंच वाले, इसका मैं एक बार साइज़ देख रहा हूँ कितना बड़ा है, तो 3 इंच का ये शेल है, इसको हम लोग टेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये रखते हैं तीन साइड पे, देन बढ़ते हैं हम लोग ये 30 मल्टी कलर शॉर्ट्स में, ये 700 रुपये का है, काफ़ी अच्छा रुद्रा ब्रांड का है, अभी हम उसको टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा ये वाला कैसा स्काई शॉट है। मल्टी कलर शॉर्ट्स है, 30 शॉर्ट्स, लेट्स सी। और इसकी अगर MRP देखे जाए तो पता नहीं कहाँ पर दिए, अराउंड 2100-2200 की होगी इसकी MRP, 1500 रुपये इसकी MRP दी हुई है, तो देखते हैं यार कैसा ये वर्क करता है, इसको हम लोग रखते हैं साइड पे। देन नेक्स्ट बढ़ते ये वाले कुछ और स्काई शॉट 2.5 इंच वाले, ये देखो ये कुछ इस टाइप में, ये अराउंड था शायद 300-400 कुछ का एक स्काई शॉट है, ये भी काफ़ी महंगा है, ये देखो एक, इसके चार पीसेज है, दो तीन और ये चार, इसकी आपने अनबॉक्सिंग वीडियो देखी होगी और इसकी टेस्टिंग वीडियो अब मैं नेक्स्ट डालने वाला हूँ, तो वो सब आप मिस मत करना।
तो इसको मैं रखते हैं साइड में, इसको मैं डायरेक्ट इसी बॉक्स में डाल देता हूँ। हम लोग इसको टेस्ट भी करेंगे आज रात को, तो आपको वीडियो तो आज ही मिल जाएगी, ठीक है। और सर यार आप लोग के लिए मैं तीन तीन वीडियोस डाल रहा हूँ, बिकॉज यार आपको तो पता है मैं सतना में नहीं था, तो आप लोग काफ़ी कुछ मिस कर गए। और हाँ, मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था कि यार हम लोग को वीडियोस चाहिए, सो अब मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे। सो ये हम लोग रखते हैं साइड पे, तो नेक्स्ट बॉक्स में बढ़ते हैं, जो कि है ये वाला बॉक्स, या इसमें बढ़े आप लोग बताओ, ये कि ये ना, ठीक है। ये वाला हम लोग बॉक्स को ओपन करते हैं, ये रखते हैं साइड पे। इसमें भी काफ़ी कुछ, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, स्काई शॉट जो आपको दिख रहा है उसको भी हम लोग ओपन करते हैं। ऑल राइट सर, ये बॉक्स मैंने कर लिया ओपन। फर्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ये है कुछ पतंग जो कि दिवाली में बहुत लोग पसंद करते हैं। ये मैंने चार लिया है, 100 रुपये के चार हैं, तो ये आप ले सकते हो अगर आपको लेना हो। हम लोग इसको रखते हैं साइड पर। और यार मैं इसे बताऊँ, सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी जोड़ा हूँ, और अगर हम लोग इसका टोटल करें तो 20 तक जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन को मिला के तो काफ़ी इस बार महंगे। और हाँ, पटाखे इस बार काफ़ी महंगे हो गए हैं, आपने भी नोटिस किया ही होगा। कोई बात नहीं, महंगे हो रहे हैं तो हम लोग खरीद भी रहे। और नेक्स्ट बढ़ते हम लोग ये कुछ लूज़ रॉकेट्स में, चार रॉकेट हैं इसमें, पता नहीं कहाँ से आए, कल शाम हम लोग टेस्टिंग वेस्टिंग किया, उसके में बच गए होंगे, पूरा डब्बा था, 6 रॉकेट टेस्ट हो गए, बाकी ये बच गए, तो हम लोग इसको ले आए, इसको हम लोग रखते हैं यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है। सर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग ये कुछ अनार में, मैं सबको आपको रेट नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये हमारा मेन स्टैश है, तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो, लाइक एम मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हुआ है, जल्दी से कर दो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये कुछ अनार की वैरायटी हो गई, इसकी आपको टेस्टिंग वीडियो मिल चुकी है ऑलरेडी, कल की वीडियो में आप जाके देख सकते हो। देन ये मार्शल बम, ये वाला आपको एक मैं पटाखा दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़े साइज के, देखो इसकी मैंने टेस्टिंग वीडियो कल डाली थी, काफ़ी तेज़ आवाज़ है यार, आप इसको ज़रूर चेकआउट करना। ये हम लोग रखते हैं साइड पे, इसके हम लोग MRP देखे जाए तो 725 दिए, ये भी काफ़ी महंगा पड़ा, 250 का ही ये पड़ा आराम से, इसको हम लोग रखते हैं साइड पे। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, और स्काई शॉट का ये अकेला नहीं है, ठीक है, स्काई शॉट मेरे पास और है, इसके अंदर आ नहीं रहे, तभी मैंने इस डब्बे पर डाले, आपको अभी दिखाते हैं। ये पेंटा स्काई फ्लैश छोटे वाले स्काई शॉट, 150 रुपये का इस बार पड़ा मेरे को, काफ़ी अच्छा बचा है, इसको मैंने कल की वीडियो में जलाया हुआ है, इसके चार पीस बच गए, तो काफ़ी अच्छा स्काई शॉट है ये। ये हम लोग रखते हैं साइड पे। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये कुछ सूतली बम की वैरायटी, ये देखो कुछ इस टाइप में, दो डब्बे इसके, काफ़ी तेज़ बचते, ये 200-200 रुपये के पड़े, काफ़ी महंगे हैं ना, सो कोई बात नहीं, हम लोग इसको रखते हैं साइड पे, दो डब्बे हैं इसके। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और सूतली की वैरायटी में, इसकी मैंने टेस्टिंग कल डाली हुई है, तो आप देख लेना कल की वीडियो में, काफ़ी सही है, ये भी अराउंड 150 कुछ का था, महंगे ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ये कुछ एलिफेंट के छोटे स्काई शॉट, इसकी टेस्टिंग वीडियो मैं आज करने वाला हूँ। ये जो आपने एलिफेंट वाले देखे ना, उसका एक छोटा पीस है, काफ़ी सही है, देखते हैं इसको टेस्ट करके ही पता लगेगा कैसे, इसके अंदर पाँच है, पाँच अलग डिस्प्ले के, ये था अराउंड शायद 250-300 का है, तो ये भी महंगा है, बट डिस्प्ले तो अच्छा होगा, जैसे दिखा रहे हैं ऐसा बनता है कि नहीं, वो हम लोग को देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं यार, अब आते हैं बड़े स्काई शॉट की रेंज में, एक आईफेल एडिशन है ये, एक ये दो यहाँ रखता हूँ, एक दो और ये तीन, RCB का एक RCB है, एक ये कोलकाता नाइट राइडर्स है और एक मुंबई इंडियंस है। ये अराउंड 230 रुपीज़ का पर बॉक्स पड़ा, तो मेरे पास तीन बॉक्स मैं उठा के ले आया हूँ। मैं पहले मुंबई इंडियंस और ये लेके आया था, फिर मैं इसको कल ही ये वाला कोलकाता का मंगवा लिया, तो इसके तीन बॉक्स पड़े हैं, 230 पर बॉक्स, तो आप तीन का कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा। हम लोग इसको रखते हैं साइड पे। और मेरे को स्काई शॉट्स इस बार मैं काफ़ी सारे लिया हूँ, बिकॉज आप लोग बोल रहे थे स्काई शॉट्स की हम लोग को वैरायटी दिखाओ, हम लोग को देखना है, तो ये सारा स्काई शॉट्स वेल आप लोग के लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एक और सूतली बम की वैरायटीज की, मैंने आपको टेस्टिंग वीडियो कल डाली हुई, तो आप वो जाके देख लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ये कुछ अनार की वैरायटी, या मैं आपको दिखाया था 1000 पाइपर्स, ये भी अनार काफ़ी बढ़िया, 250-300 का है ये कुछ, इसको मैं हम टेस्ट करेंगे, ये शायद दिवाली पे हम लोग जलाएंगे, तो आपको दिवाली का व्लॉग मिल जाएगा, चैनल पे बने रहना, बेल आइकन दबा देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग और स्काई शॉट की वैरायटी, ये है काफ़ी फेमस मूवी का स्काई शॉट है, तो देखते हैं वाला कैसा चलता है, तीन स्काई शॉट इसके अंदर, शायद 200-250 का है, रेट तो सेम ही इसके बराबर का है, देखते हैं इसका कैसा इफेक्ट आता है ऊपर जाके, ठीक है। ये हम लोग रखते हैं साइड पे।
नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ कलर कोटी में, इसकी टेस्टिंग वीडियो आज आ जाएगी आपको, तो आप देख लेना। तो ये भी काफ़ी महंगा था, अराउंड 250 या 220 रुपीज़ का है, तो ये भी काफ़ी सही अनार होगा। 5 अलग अलग हैं, आधे रेड आधे ग्रीन, ठीक है, ये मज़ा आने वाला है इसको जला के। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग मैरी गो राउंड, कॉक ब्रांड का, 250 रुपये का मेरे को ये पड़ा है, काफ़ी महंगा है आई नो, बट क्या करें, लेना पड़ा। तो इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे आज की वीडियो में, इसको रखते हैं साइड में। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं यानी कुछ बुलेट बॉम की वैरायटी में, ये देखो 2 पीस है, और ये वाला शायद बुलेट बॉम मैंने कल की वीडियो में टेस्ट किया था, इसमें मैंने 3 टेस्ट किए बट तीनों नहीं जले, आई डोंट नो वाई, फिर से जला के देखना पड़ेगा। इसको हम लोग रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग ये कुछ क्या बोलते हैं इसको, सिंगल शॉर्ट्स बोलते हैं इसको, दुकान में सिंगल शॉर्ट्स बोल रहे थे, बट इसको हम लोग लक्ष्मी बॉम के नाम से जानते हैं, बट ये लक्ष्मी बॉम नहीं है, एलिफेंट बॉम है। काफ़ी तेज़ आवाज़ है इसकी, कल मैंने इसकी पूरा एक पैकेट टेस्ट किया, काफ़ी सही आवाज़ है यार। ये अराउंड पड़ा था मेरे को 230 या 280 रुपीज़ की, 10 पीस 28 से 30 रुपये का पर पीस पड़ गया ये, तो काफ़ी सही है। आवाज़ आपको चाहिए, आवाज़ अच्छी चाहिए तो आप ये ले सकते हो। इसको हम लोग रखते हैं साइड पर। और मेरा थोड़ा मैं वर्बल कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा गला ख़राब है, मेरे को सर्दी हो गई है, होता ही है यार, काफ़ी आजकल वर्कलोड है ना इसलिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग ये डबल साउंड सिंगल पीस बचा, ये लास्ट ईयर का है, इस बार मैंने डबल साउंड लिया नहीं बिकॉज अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा था, और ये बॉक्स हो गया खाली। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट बॉक्स पे, इसको हम लोग रखते हैं साइड पे। ऑलराइट, अब हम लोग चालू करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स करना, और इसके अंदर भी काफ़ी सारे क्रैकर्स हैं, और इसको आप इग्नोर करना कल ही हुआ जो भी हुआ है। ये देखो ये 2 हम लोग देखते हैं यहाँ पे, रॉकेट, एक लोनिक का और एक ईगल का रॉकेट। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो नेवर गिव अप, जिससे कि सबको लगे कि ये लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, जो यहाँ तक देख रहे हैं उनको सिर्फ पता होगा कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो, तो जाओ जल्दी से कमेंट करके आओ नेवर गिव अप। फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है बट ये वाला थोड़ा सा महंगा है, और ये शॉपकीपर ने बोला था ये सीधा जाता है रॉकेट और सीधा जाके फूटता है, तो इसको भी हम लोग टेस्ट करके देखेंगे, और ये वाला तो अभी तक टेस्ट किया ही नहीं है, तो इसको हम लोग आज की वीडियो में जलाने वाले हैं। दोनों रखते हैं साइड पे। और रॉकेट्स काफ़ी सारे हैं, एक ये भी है एको रॉकेट, छोटा वाला रॉकेट, ये भी काफ़ी सही है। और अगर आपको इनका क्रैकर्स का रेट जानना है तो मैंने अपने लास्ट की कोई स्टैश की वीडियो में बताया हुआ है, बट मैं कुछ का बता देता हूँ जिनका मेरे को याद है, क्योंकि इतने सारे पटाखे हैं ना सबका मेरे को रेट एकदम भूल गया है, तभी मेरे को जो याद आता है बता देता हूँ। ये बढ़ते हम लोग नेक्स्ट रेड स्पार्कल्स में, ये था अराउंड 100 रुपीज़ के 2, काफ़ी महंगे पड़े मेरे को इस बार, पता नहीं यार इतने महंगे क्यों हो रहे पटाखे। वो दिन दूर नहीं जिस दिन MRP में पटाखे बिकेंगे, 160 रुपीज़ की MRP दी है, बट ये मेरे को 50 का पड़ा है एक पीस, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन इसके MRP पे पटाखे बिकेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ये हंटर काफ़ी फेवरेट होता है, और एक ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, यस 2-3 पीस ही बचे, क्योंकि मैं इसकी एक्सपेरिमेंट्स हम लोग ने लास्ट ईयर काफ़ी सारे किए थे, और इस साल एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी, टाइम ही नहीं मिल पाया यार, बहुत ज़्यादा सॉरी। नेक्स्ट ईयर हम लोग और अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, सो नेक्स्ट ईयर का वेट करो, और दिवाली के बाद भी कुछ आपको वीडियोज़ आती रहेंगी, कमेंट सेक्शन में बताओ देखना चाहते हो कि नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कुछ मेहताब में, इसके बड़े एक पीस ही बच गया है, कल ये शायद पूरे यूज़ हो गए, तो इसको हम लोग आज की वीडियो में चलाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं ये कुछ और स्पार्कल्स में, 2 पीस और पड़े इसके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग ये कुछ ग्राउंड चक्कर में, एक और भी काफ़ी ग्राउंड चक्कर है, ये वाला श्री विजय का है, ये देखो काफ़ी सही है, इसको जला के देखेंगे तभी पता चलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉप टाइगर, काफ़ी बड़े सुतली बम, इसको टेस्ट करेंगे आज की वीडियो में, काफ़ी सही आवाज़ होती है इसकी, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं किटकैट में, ये लास्ट ईयर का पड़ा है मेरे पास, आपको पता है ये है चटर बटर बोलते हैं ना चिटपुट, वो है ये, इसको भी टेस्ट करेंगे आज की वीडियो में। नेक्स्ट है ये बुलेट कबाब, ये लास्ट ईयर का ही पड़ा है, मैंने इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया है क्योंकि ये फटता ही नहीं है, तो इसको भी जलाएंगे फिर आज की वीडियो में। नेक्स्ट है ये कुछ फ्लावर पॉट्स, और भी काफ़ी सारे फ्लावर पॉट्स है, एक ये है सनशाइन का कॉकटेल फाउंटेन, ये दोनों टेस्ट करेंगे आज, ठीक है। काफ़ी सारे क्रैकर्स हो गए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप बताओ आप बोर तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि यार आप लोग ही बोले थे सारे पटाखों को अनबॉक्स करना, तभी मैं आप लोग की जो सजेशन होता है मैं उसको रखता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। नेक्स्ट है ये कुछ हेलीकॉप्टर, काफ़ी अच्छा आइटम है ये, देखो कुछ इस टाइप में, लास्ट ईयर मैं इसकी टेस्टिंग वीडियो डाली थी, आप सब ने काफ़ी उसको पसंद किया था, उसके लिए थैंक यू सो मच।
इसको रखते हैं साइड पे, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग डिस्को फ्लैश पे, ठीक है। फिर है ये कुछ बुलेट बम की वैरायटीज भी पड़ी, एक दो तीन और ये चार, ये देखो काफ़ी सारे बुलेट बम की वैरायटी है, इसको रखते हैं हम लोग साइड पे। नेक्स्ट है ये कुछ मटका अनार टिमटिम, ये था अराउंड मेरे को याद है शायद 200 रुपए के 5 पीस थे, काफ़ी सही ये मटका अनार, काफ़ी देर तक चलता है, अगर आपको थोड़ा फैंसी में चाहिए तो आप ये उठा सकते हो, ये रखते हैं हम लोग साइड पे। देन नेक्स्ट है कुछ शेर शिकार सुतली बम काफ़ी बड़े साइज के, इसको भी जलाएंगे आज की वीडियो में। नेक्स्ट है ये कुछ अनार की वैरायटी फैंसी आइटम, ठीक है काफ़ी सही अनार होता है, इसको रखते हैं हम लोग साइड पे। फिर है यार हॉट व्हील्स ग्राउंड चक्कर, ये भी काफ़ी सही है, मैं इसको रिटेल से ख़रीदा था, काफ़ी महंगा पड़ा था, इसका आप रेट मत ही जानो तो अच्छा है, 450 इसकी MRP है, उसके आसपास का ही मेरे को पड़ा है तो मैं क्या करूँ, मैं रेट बताया काफ़ी महंगा था। देन नेक्स्ट है यार ये सेल्फी स्टिक, काफ़ी सही है फैंसी आइटम में अच्छा आता है, अगर आपको दिवाली पे मस्त फोटोज़ निकालनी है, इंस्टा की रील डालनी है तो आप ये आइटम लो, मस्त आपकी रील बनेगी। मैंने भी एक फ़ोटो डाली थी, अगर आपको इंस्टाग्राम में का इंस्टाग्राम पे देख लेना जाके, लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, @monish8006 वहाँ पर जाओ फॉलो करो, ये रखते हैं साइड पे। देन ये ऑलमोस्ट सारे ख़त्म ही है, कुछ फ्लावर पॉट्स हैं सन इंडिया के, सुन इंडिया सन इंडिया क्या होता है आप कमेंट करके बताना, ये भी काफ़ी सही है, ये था अराउंड 80 रुपीज़ का, ये वाला सस्ता है। फिर बढ़ते हम लोग कुछ हाइड्रो बम की वैरायटी में, छोटा हाइड्रो ये था अराउंड 40 रुपये का, काफ़ी सस्ता आइटम था, और ये लास्ट ईयर का आइटम है तभी काफ़ी सस्ता है, इस साल तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गया होगा, 70 या 80 का मिल रहा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट बढ़ते ये कुछ गंगा जमुना, आप लोग बोल रहे थे मैं लाइव सेशन में लाइव कर रहा था तब आप लोग बोलते गंगा जमुना लाना, सो ले आए, ठीक है। देन नेक्स्ट बढ़ते हम लोग ये कुछ और छोटा बुलेट और ये और बुलेट, ठीक है बुलेट की काफ़ी सारी वैरायटी है। देन नेक्स्ट बार तो ये लास्ट ईयर का आइटम काफ़ी आपको पसंद आया था, बड़े वाले सुतली बम 60 रुपीज़ के 10 पीस थे, इस बार मेरे को मिले नहीं, और इस बार सुतली बम मिल ही नहीं रहे, जो बड़े साइज़ के होते हैं ना पता नहीं शायद बैन हो गए या बिक ही नहीं रहे दुकानों में, मैं रिटेल शॉप पर जाके मेरे को पूछना पड़ेगा, बट मेरे को अभी तक ये मिला नहीं, ठीक है। देन यार नेक्स्ट बढ़ते हम लोग ये देखो बड़े साइज़ की लड़ी, ठीक है 2 पीस बच गए, इसको भी जलाएंगे आज की वीडियो में। सो लास्ट बढ़ते हम लोग ये कुछ मियाँ बीबी में, ये काफ़ी सही आइटम था, ये अराउंड मेरे को 150 या 200 का पड़ा है, आई डोंट नो क्या लिखा है इसके, देखो कुछ इस टाइप का होता है, काफ़ी सही है, इसको हम लोग टेस्ट करेंगे आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो जो नेक्स्ट आने वाली है उसमें काफ़ी कुछ मिलने वाला है, तो वो सब आप मिस मत करना प्लीज़, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अभी तक तो आपने कर ही लिया होगा। फिर लास्ट बढ़ते देखो ये कुछ माचिस बम है, ये छोटे अनार है, और ये बूम्बा में चटर बटर, और ये है कुछ अलग सा आइटम है, इसको खींचते हैं और ये फटता है, इसको हम लोग टेस्ट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। सर देखो सारे पटाखे तो मैंने ऑलमोस्ट अनबॉक्स कर लिए हैं, इसमें ज़्यादा कुछ तो रखा नहीं है, ये कुछ ऐसे छोटा मोटा आइटम रखा हुआ है, तो हम लोग इसको रखते हैं साइड पे। तो और लास्ट बॉक्स में बढ़ते हैं जो कि है ये वाला बॉक्स, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये चक्री का आइटम है सनफ्लावर व्हील, काफ़ी बड़े साइज़ की चक्री है, इसको हम लोग टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा, आपने उसे लास्ट ईयर अगर देखा होगा उसे मैंने टेस्ट किया था, काफ़ी सही आइटम है यार, ये वाला अराउंड 400 रुपये का पड़ा था मेरे को, 400 के 10 पीसेस 40 रुपीज़ की पर चक्री पड़ी है, तो इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे, रखते हैं इसको साइड पर। लास्ट बढ़ते हैं जो कि मैं इसके लिए रीवा गया था लेने, वो है ये वाला स्काई शॉट, ये है 25 शॉट्स, ये मेरे को अराउंड पड़ा है शायद मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, काफ़ी महंगा पड़ गया है मेरे को, सो इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, देखते हैं वाला कैसा है। शॉपकीपर ने बोला है काफ़ी अच्छा होगा, मर्करी ब्रांड का है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा, हम लोग उसको टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। सर चलो ये सारे थे, इसके अंदर ऑलमोस्ट खाली है, छोटा मोटा आइटम रखा हुआ है उसको निकालने का मतलब नहीं है। सर देखो इतने सारे पटाखे हो गए इस बार 25,000 रुपये के। सो आप लोग बताओ आप लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बट बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इन सबको अनबॉक्स करके, अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे तब तो और मज़ा आएगा, और इनको मैं अकेले टेस्ट वैसे नहीं करने वाला हूँ, मेरी दीदी भी है साथ में और कुछ कॉलोनी के दोस्त हैं उनके साथ हम लोग इन सबको टेस्ट करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो आप लोग दिवाली का व्लॉग तो मिस करना ही मत, क्योंकि काफ़ी सारे स्काई शॉट्स हैं पटाखे हैं, मैं सर आप लोग के लिए लाया आप लोग को दिखाने के लिए,
सो वो सब आप मिस मत करना। और आप लोग बताओ आपको इन सब में से बेस्ट क्रैकर दिखने में भी कौन सा लग रहा है, फिर टेस्ट करेंगे तब तो आपको पता ही लग जाएगा। अपना फेवरेट क्रैकर कमेंट में कमेंट करो। दोस्तों आई होप आप लोग को आज का ये वाला स्टैश अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया ये स्टैश को जमाने में देन अनबॉक्स करने में। अभी फिर से उसको बॉक्स में डालना होगा, फिर रात को टेस्टिंग वीडियो भी करना है। सो आप लोग बताओ आपको ये वाला स्टैश कैसा लगा और अपना स्टैश का अमाउंट कमेंट करो। आप लोग कितने इस बार पटाखे लेके आए दिवाली के लिए, मेरे तो आ गए। आप लोग भी कमेंट करके बताओ आपके आ गए कि नहीं। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। कल है दिवाली, सो अच्छे से दिवाली मनाना। इंस्टाग्राम पे आओ, इंस्टाग्राम पे हम लोग बातचीत करते रहेंगे, काफ़ी सारे अपडेट्स आने वाले हैं वहाँ पे भी। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को लाइक किए मैं ओनली 5000 लाइक्स का, जल्दी से करवाओ। मैंने इतने लाइक किए लास्ट मैंने मांगे थे आप लोग से जब मैंने मेन स्टैश आया था, और इस साल का भी मेन स्टैश में आपसे 5000 लाइक्स का डिमांड कर रहा हूँ। जल्दी से जाओ और करो। और इसके बाद आने वाली टेस्टिंग वीडियोस, देन दिवाली का व्लॉग आने वाला है, काफ़ी कुछ आने वाला है, ठीक है। जाओ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, इस वीडियो को लाइक करो। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो आएगी टेस्टिंग की, जो कि थोड़ी देर में आने ही वाली है बाकी। और चैनल पे बने रहो, काफ़ी सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तभी थैंक वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और मेरा मतलब थोड़ा आप वॉइस इग्नोर करना, क्योंकि सुबह से मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही थी, बट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है दिवाली के लिए, सो इतना बहुत चलता ही है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी दिवाली सबको। I'm rich, I'm rich, I'm rich.